सो गाइस सिंपली आप सभी को पहले करना है गाइस, देखिए इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का एड फोटो में जाना है गाइस, ठीक है। एंड अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस आप सभी का जो मतलब मॉडल होगा ना गाइस, उसका बैकग्राउंड आप पहले से रिस कर लेना गाइस, बिकॉज क्योंकि मैंने तो बैकग्राउंड रिस कर रखा है ताकि आपका ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो गाइस बैकग्राउंड रिस करना नहीं आता ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक दे रखे, आप सिंपली उसको देख के बैकग्राउंड क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस मैं मॉडल को ले आऊँ, एंड गाइस सिंपली हम यहाँ से टैप करेंगे एंड गाइस कर देंगे डन, ठीक है। एंड जाएंगे टूल्स में एंड एडजस्ट में जाएंगे, ठीक है। एंड ब्राइटनेस कर देंगे 100 माइनस, ठीक है। एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रशेज में जाएंगे एंड जूम करके यहाँ पे नीचे की साइड में शेडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेडो बना लेंगे, ठीक है। तो शेडो बना लेंगे एंड गाइस शेडो को किसी टाइप को कमी रखनी, ठीक है। एंड गाइस आपको डन करना है एंड गाइस एड फोटो में जाना गाइस, ठीक है। एंड पार्टिकल का एक पेंज लेना गाइस, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने इसको पार्टिकल को ले आया हूं, तो गाइस हमें इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस रखना है, ब्लेंड ओ स्क्रीन सॉरी गाइस, ठीक है। स्क्रीन रख लेते हैं एंड गाइस करते हैं डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, उसके बाद आप सभी को गाइस एक और उसका पार्टिकल पेंज लेना गाइस, ठीक है। तो उसको PNG को ले लेते हैं मैं, गाइस आपको सारे बैकग्राउंड PNG सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया गाइस ये रहा PNG, ठीक है। तो गाइस ये मैं ले लेता हूँ एंड इसका ब्लेंडिंग मोड रखना है हमें स्क्रीन, सो गाइस इसके फुल स्क्रीन करके एंड सिंपली आप सभी को ऐसे लगा लेना है। एंड इसकी ओपेसिटी को गाइस आप सभी को कम रखना है, इसकी ओपेसिटी को कम रखना है एंड सिंपली करना डन। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, फोटो करना सेव, ठीक है, ड्रो टूल में। तो ड्रो टूल में जाकर फोटो को सेव कर लेना है एंड कलर रिटच जो भी करना है हमें वो करना है लाइट रूम ऐप के अंदर। तो हम फोटो को सेव कर लेते हैं एंड गाइस अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि यार आपका भाई आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता था यार। प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार आप सभी को रोजाना 1 से 2 कंटेंट रोजाना मिलता है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कर, ठीक है गाइस। तो ये हमें मैं फोटो ले आता हूँ, तो फोटो ओपन हो चुकी है। तो गाइस क्या करना है, आप सभी को इसमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑटो वाले पे एंड उसके बाद जाना लाइट्स में एंड कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को गाइस बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को नीचे वाले आइकन में जाना है, मिक्स में जाना है, ब्लू कलर में जाना है एंड इसके सैचुरेशन को कम करना है, सेकंड ब्लू में जाना है इसके सैचुरेशन को कम करना है, ठीक है। एंड करना डन एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो क्लियरिटी को बढ़ा लेना है एंड विग्नेट डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस क्या काम रह जाता है, आप सभी को बढ़ाना है ग्रीन अमाउंट, ओके गाइस। एंड जाना नीचे वाले टूल में, ये वाले में एंड गाइस आपको फोटो की शार्पनेस को बढ़ाना है, नॉइज डायरेक्शन को बढ़ाना है एंड कलर नॉइज डायरेक्शन को भी बढ़ा देना है। सो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।